आज सुबह सुबह जब मैं उठी सो करके, तो सुबह ही डिमांड हो गया दुल्ली का कि हम आज इडली खाएंगे। भाई इडली बनाने में तो काफी झंझट होते हैं, टेंशन होते हैं, सांभर बनाओ, चटनी बनाओ। तो नहीं, इनका कहना है कि नहीं, ना इडली मतलब ना चटनी बनाओ ना सांभर बनाओ, बस सुखा ही खाएंगे, हमें खाना है, कल खाना है। तो भाई चलो, और वैसे भी इडली बनाना बहुत आसान है, क्योंकि जब सांभर बनाना ही नहीं है, चटनी बनाना ही नहीं है, तो क्यों ना बनाया जाए। तो भाई हम सोचे कि चले ऑडियंस के साथ भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि ऑडियंस भी हमारा परिवार है ना, उनके साथ भी शेयर करते हैं, ताकि आज का इडली कैसा है, जो कि बिना मोल्ड का होगा और मात्र 3 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। ये इतना बढ़िया टेस्टी, ये 5 मिनट में हम कैसे बनाएंगे या 3 मिनट में कैसे बनाएंगे, तो आपको हम पूरा वीडियो में बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ मीना। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम 1 कप दही लिए हैं, ये घर का दही है, हल्की खट्टी सी लीजिएगा, ज्यादा खट्टा मत लीजिएगा, मीठा भी नहीं लेंगे, क्योंकि मीठा लेंगे हमारा इडली नहीं ठीक बनेगा, मतलब मीठा मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 कप दही, 1 कप पानी ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि आपके घर में मिक्सर से भी आप छाछ बना सकते हैं, इससे भी, तो आप छाछ बना लीजिएगा। हम मिक्सी में थोड़ा इनको फेंट लेते हैं, दही को हम छाछ में तब्दील कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया से बन गए, मेरा मतलब था छाछ बनाना। अब हम छाछ को क्या करेंगे यहाँ पे कि इनमें हम लेंगे नमक, तो नमक हम थोड़ा ज्यादा लेंगे अपने अनुसार, क्योंकि भाई ना चटनी होगा ना सांभर होगा, तो हिसाब से तो हम थोड़ा ज्यादा नमक लेंगे, आप कम बेस देख लीजिएगा। यहाँ पे पूरा 1 चम्मच लकड़ी वाले चम्मच लिए हैं, तो हिसाब से हम नमक लेंगे, तो समझ लीजिए कि आधा छोटा चम्मच नमक लिए हैं यहाँ पे। और अब हम थोड़ा सा इनको मिला देते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेंगे फिर से हम वही कप, जिस कप से हम दही लिए हैं ना, उसी कप से सूजी भी हम लेंगे 1 कप, एकदम झटपट बनने वाला है। तो 1 कप सूजी यहाँ पे हम भर के ले लिए हैं, देखिए इसीलिए कहें कि ये 3 मिनट में, अगर इस तरह से आप पूरा कंप्लीट तैयार करके पहले से रखिएगा, तो आपका इडली 3 मिनट में ही बन जाएंगे। और वैसे तो भाई हम दिखा रहे हैं वीडियो, तो मेरा वीडियो 5 मिनट मतलब लग ही जाएंगे सारा दिखाते हुए। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि अच्छे से सूजी और दही को मिला देंगे। यहाँ तक आ गए फ्रेंड्स आप लोगों से बात करते करते, लेकिन हम तो भूल ही गए कि आप लोग से कुछ रिक्वेस्ट भी करना था। तो क्या रिक्वेस्ट करना था, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद क्या करना है, आज का वीडियो तो आप लोग बिना बोले ही शेयर कीजिएगा, और अपना प्यारा प्यारा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग प्लीज जरूर कीजिएगा, लिखिएगा। तो चलिए इनको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं, 5 मिनट में ये अच्छे से फूल जाएंगे। तो 5 मिनट बाद हम देख लेते हैं इनको। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे अगर पहले ही बता दें, तो आप क्या करिएगा कि रात में ही भिगो करके रख दीजिएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ठीक हुए हैं ये, हल्का सा, तो हम देख लेते हैं क्या करना है, पर अभी हम इनमें कुछ लेंगे। यहाँ पे लेंगे हम तेल 1 चम्मच। अब बोलिएगा तेल क्यों, तेल इसलिए कि हमारा जो इडली है ये रूखा रूखा ना लगे, एकदम सॉफ्ट हो, तो तेल हम ले लिए हैं। और अब हम लेंगे यहाँ पे इनो, एक इनो लेंगे, 1 पाउच इनो फूड सॉल्ट। तो यहाँ पे हम बस इनो को ले लेते हैं, और पूरा ले लिए हम, पूरा 1 पाउच काफी है, आप डबल लीजिएगा तो 2 ले लीजिएगा। और यहाँ पे हम बस कुछ नहीं करेंगे, इनको हम अच्छे से मिला देते हैं इस तरह से, थोड़ा सा मिलाएंगे। तो इनो को डालते ही आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से हमारा बैटर फूलकर रेडी हो गए हैं, तो इनको करते हैं साइड। फ्रेंड्स यहाँ तक आ गए, आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर दूं कि हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और प्यारा प्यारा कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। आप लोग वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं जरूर प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर ही दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग हमारा परिवार है, और परिवार से क्या अनुरोध करना, आप लोग तो खुद ही कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं, पहले ही बताएं कि कोई मोल्ड का नहीं बनाएंगे, एकदम झंझट नहीं होगा, एकदम कम बर्तन गंदा होने वाले हैं। तो इस तरह के आपके घर में, सबके घर में छन्नी होते हैं, तो छन्नी इस तरह से ले लीजिएगा। आप कैसे बनाना है आइए हम बताते हैं। हम ले लिए कढ़ाई, कढ़ाई में आप कोई भी कढ़ाई नाप के ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम इनमें 2 कप पानी आते हैं, तो 2 कप पानी के लिए हम ले लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि पानी के थोड़ा गर्म होने देते हैं, इसी पर रख देते हैं, ये हमारा इडली का स्टैंड का ही 1 छन्नी है, तो उसी को ले लिए हैं। अब इनको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं ताकि प्लेट अच्छे से गर्म हो जाए, गर्म इसलिए जरूरी है कि हमारा जो बैटर होगा ना नीचे में नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे हम फिर से आ गए बैटर के पास, तो चलिए
अब हमारा कढ़ाई में पानी अच्छे से गर्म हो रहे हैं और देखिए कितना अच्छे से फूलकर रेडी हो गए हैं। तो चलिए हम चूल्हे के पास चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि चम्मच से ही लेंगे हम बैटर को और इस तरह से, बस ज़्यादा नहीं फैलाना है, इस तरह से फैला देना है। तो इससे क्या होगा कि डबल काम हमारा कम हो जाएगा। क्या होगा, एक ही बर्तन में हम इतने सारे इडली बना ले रहे हैं और दूसरा हमको इडली मोल्ड का जरूरत नहीं, वहाँ जरूरत होता है जहाँ हमें एकदम इडली मोल्ड से बड़े बड़े इडली खाने हैं। तो इसीलिए हम आज बताए एकदम आसान तरीका, इस तरीके से बनाइएगा तो आप जब चाहे तब बना सकते हैं आप इडली बच्चों के लिए। और ये यकीन मानिए ये काफी मतलब काम को आसान कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे चम्मच से हम ले लिए हैं इस तरह से। अब क्या करेंगे कि 5 मिनट के लिए हम यहाँ फुल फ्लेम पे ढक के पकाएंगे इनको। 5 मिनट बाद हम देख लेते हैं, हम तो कहेंगे कि ये 3 से 4 मिनट में ही तैयार हो जाएंगे। तो बस अब इनको आहिस्ता से निकाल लेना है बाहर, प्लेट के बाहर ले लिए है। अभी क्या करना है कि एक स्पैचुला ले ले और इस तरह से देखिए कितना आराम से छूट रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, बस थोड़ा सा इनको छुड़ाने का जरूरत है इस तरह से आहिस्ता। तो बस एक प्लेट में हम आपको निकाल करके दिखाते हैं, देखिए पलट करके कितना मतलब बढ़िया जालीदार बने हैं। और ये तो हमें छुड़ाने का जरूरत भी नहीं है स्पैचुले से, छोलनी से, देखिए हाथ से ही निकल जा रहे हैं। इसी तरह से हम सबको निकाल लेंगे, दिखाएंगे आपको पूरा जाली। पर अभी हम थोड़ा फिर से जो बैटर हम किए ना तो सारा इनों का हमारा असर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इस तरह से, हल्का गोल कर लीजिएगा, टेढ़ा मेढ़ा भी होंगे तो चलेंगे। यहाँ पे देखिए आप पानी में एक बूंद भी बैटर नहीं गिरे हैं, आप देख सकते हैं। तो हम थाली को फिर से छन्नी को इसी में रख लेते हैं इस तरह से। तो बस फिर से हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे इस तरह से, हल्का फैलाएंगे, इसी तरह से सबको हम ले लेंगे। पर सारे बैटर को हम ले लिए हैं, अब फिर से 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो 5 मिनट बाद हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बने हुए हैं। और फ्रेंड्स हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से कि आपका मतलब 3 से 4 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। कैसे, आइए फिर वीडियो में बताते हैं। इनको बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम दोबारा भी बना करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, जरा सा भी नहीं हमारा बैटर गिरा है। तो मेरे ट्रिक से बनाइएगा तो आपका मतलब बैटर एकदम पानी में नहीं गिरेंगे। यहाँ पे हम चलिए निकालते हैं हाथों से। तो अब हम फटाफट हाथ से ही निकाल लेते हैं, देखिए एकदम एक ही बार तेल हम ग्रीस किए हैं, कितना अच्छा से निकल जा रहा है। तो यहाँ पर सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम नरम हमारा इडली बनकर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है एकदम। देखिए ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, और ये अंदर से एकदम जाली, देख रहे हैं, तेल जो हम लिए थे इसीलिए ये सॉफ्ट हुए हैं, आप देख रहे हैं, एकदम तोड़ करके हम आपको बारीकी दिखा रहे हैं, देखिए। और फिर से हम दूसरा दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखिए देखिए एकदम जाली, परफेक्ट जाली, आप देख रहे हैं ना एकदम हर जगह से। तो इस तरह से बनाइएगा, कम बर्तन लगेंगे, कम सामान में जल्दी बनकर तैयार हो जाए। टिप्स बताए थे ना फ्रेंड्स कि बस एक बार तेल आप घिसे मतलब ग्रीसी करें, ग्रीसिंग करने के बाद बस 10 बार नहीं ग्रीसिंग करने का जरूरत है, बनाए इन्हें रात में। अगर आप तैयार करके रखते हैं तो मात्र 3 मिनट समय लगेगा फ्रेंड्स इनको बनाने में। रात में बैटर को तैयार कीजिए, बैटर तैयार करने के बाद उठिए, सूतिए, गैस मारिए और बना लीजिए, यकीन मानिए बहुत जल्दी बनकर के ये नाश्ता तैयार हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ तो भाई सुबह में दुल्ली बोलवे किए थे, नहीं करते तो कैमरा में मतलब वीडियो शूट नहीं होता, तो हमको बनाना था तो हम सोचे हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कैसी लगी आज की वीडियो हमारी आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की, बाय।